तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का यूपीएससी पाठशाला में और स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए लाइव सेशन में। तो दोस्तों, इस नए लाइव सेशन में जो आज हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं वह है हमारा क्या कि आपका 21 मार्च 2023 के लिए जो हमारा प्रतिदिन का समसामयिक की जो चर्चा है उसे हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग को पता ही हो है कि हमारा जो प्रतिदिन के हिसाब से जो खास करके कहता ना कि जो द हिंदू का जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होता है उसे हम लोग कवर अप करते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी जो है पूरी जी जान से और एक रिजल्ट ओरिएंटेड जो तैयारी है उसे आप लोग कवर अप कवर अप जो है कर रहे होंगे और आप लोग उस लेवल पे अपनी तैयारी को लेकर के जा रहे होंगे जहां से आपको सफलता मिल सकती है। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं, हम लोग अपने डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप देखिएगा आज के द हिंदू के आर्टिकल में जो आपके सामने बहुत सारे ये आर्टिकल आपको दिखाई देगा, लेकिन सिर्फ हम लोग जो कुछ आर्टिकल को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। एक है आपका रिवर्स ऑफ हॉस्टिलिटी एंड देन उसके बाद जो आपका है कि आपका ओके सीरियल सॉल्यूशन देन अंडरमाइन, प्लीज कीप इन द माइंड, अंडरमाइन द रिलीजियस ओके एब्सोल्यूटिज्म एंड देन कंक्लूडिंग ऑन हाई नोट इन ओके मैनहट्टन, ये आर्टिकल, देन द वाइड डिस्पैरिटीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट, आज ही एक आर्टिकल में आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लेकर के, जो ये आर्टिकल अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। उसके बाद आर्टिकल है फिस्कल मेस इन वेस्ट बंगाल, नो नीड टू गो इन डिटेल ओके एंड द सिटीजनशिप डिलेमा ओवर इस्लाम की स्टेट वुमेन रिटर्न, सो वी विल नॉट गो इन डिटेल। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस न्यू आर्टिकल, जो आज मैं आप लोग को बताऊं कि एक आज हम लोग नए आर्टिकल की शुरुआत कर रहे हैं और ये जो आर्टिकल है वो है आपका द वाइड डिस्पैरिटीज, प्लीज कीप इन द माइंड, इन ह्यूमन डेवलपमेंट ओके। सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए दोस्तों कि इस आर्टिकल की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे कि आप लोग को भी पता होना चाहिए कि ये आर्टिकल कौन से जनरल स्टडी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये हमारे जनरल स्टडीज के पेपर 2 जो है उससे ये आपका संबंधित है। ये क्या है आपका जनरल स्टडीज के जो पेपर 2 है उससे ये आपका संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले आपके माइंड में एक चीज और भी आएगा, आपके माइंड में क्या आएगा कि सर आप जो ये आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं इसका आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपके माइंड में आएगा। आप पूछ भी सकते हैं मुझसे क्वेश्चन कि सर आपने तो बता दिया कि से संबंधित है लेकिन इसका आपने संदर्भ नहीं बताया। तो चलिए दोस्तों मैं आपको संदर्भ ही बता दूं कि भारत अब विश्व स्तर पर सबसे तेजी से, प्लीज कीप इन द माइंड, कि सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हालांकि इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप इसके मानव विकास सूचकांक में समान वृद्धि नहीं हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से तो बढ़ तो रही है लेकिन जो भारत का मानव विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पा रहा है। क्या है वो विकास नहीं हो पा रहा है जो मानव विकास होना चाहिए, जिस गति से मानव विकास होना चाहिए। अर्थात एक चीज यहाँ पे और भी हम लोग कह सकते हैं, भारत का आर्थिक विकास हो रहा है लेकिन मानव विकास नहीं हो रहा है। खास करके अपने इंडिया में अगर आप देखेंगे कि आत्महत्या के बारे में बढ़ती जागरूकता के बावजूद आत्महत्या की दर जो है बढ़ रही है और इसे जो हैंडल करने की जो हम लोग कहते हैं कि जरूरत भी बहुत ही है ना, ये हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। अब दोस्तों यहां से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी आर्टिकल को अगर मैं कंटिन्यू करता हूं तो आप लोग के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन अभी आएंगे और आना चाहिए। सबसे पहला प्रश्न आपके माइंड में आएगा, आप देखिएगा स्क्रीन के ऊपर भी, कि मानव विकास सूचकांक होता क्या है। इस स्क्रीन पे नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको बताने की कोशिश करता हूं कि जो आपका मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक जो है दोस्तों ये आपका होता क्या है, ये हमें पता होना चाहिए और रियली में पता होना चाहिए और उस डिटेल में पता होना चाहिए जिस डिटेल से हमें क्या होती है कि आसानी होती है समझने को
लेकर के। चलिए मैं आपको बताऊं कि अगर आप मानव विकास सूचकांक की बात करते हैं, ठीक है, या हम लोग कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर आप बात करते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं जो एचडीआई, एचडीआई मतलब क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों में मानव विकास के स्तर का मूल्यांकन और तुलना करने के लिए बनाया गया एक समग्र सांख्यिकीय उपाय है, स्टैटिस्टिकल हम लोग कहते हैं, है ना। इसे 1990 में सकल घरेलू उत्पाद जैसे पारंपरिक जो आर्थिक उपायों के विकल्प के रूप में पेश किया गया था, और जो मानव विकास के व्यापक पहलुओं पर जो हम लोग कहते हैं कि विचार नहीं करता है, वो क्या करता है कि मानव के अंदर उसका विकास हो रहा है तो उसके अंदर कितना नॉलेज हो रहा है ना। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो तीन पहलुओं में देश की औसत उपलब्धि का आंकलन करता है, क्या, एक लंबा और स्वास्थ्य जीवन, ज्ञान और जीवन का एक सभ्य स्तर, ज्ञान और एक जीवन का सभ्य स्तर भी हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक और थोड़ा डिटेल में आपको बताने की कोशिश करता हूं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लेकर के, मानव विकास सूचकांक को लेकर के समझिएगा। जो मानव विकास सूचकांक जो है या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, नहीं समझ में आया तो प्लीज रेज योर हैंड, मैं पहले बता रहा हूं कि मानव विकास सूचकांक दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों में मानव के विकास के स्तर का मूल्यांकन और तुलना करने के लिए एक समग्र सांख्यिकीय उपाय होता है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसकी शुरुआत 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा किया गया, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो आयाम है लंबा और स्वस्थ जीवन, जो मैंने आपको पहले भी बताया, जीवन का एक सभ्य मानक भी हम लोग कह सकते हैं, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे हम एसडीआई स्कोर भी कहते हैं, जो 0 से 1 तक होता है, उच्च मूल्यों के साथ मानव विकास के उच्च स्तर का संकेत भी ये आपको देता है, क्या करता है, उसका संकेत भी देता है। अच्छा, तो एक प्रश्न यहाँ पे बनता है, आप लोग के लिए माइंड में आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो आना चाहिए, जो मानव विकास सूचकांक है, ठीक है, अगर आप उसकी बात करते हैं तो उसमें तीन मेन चीजें हैं। तो हम लोग कहते हैं डायमेंशन तीन मेन है, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, लंबा स्वस्थ जीवन, दूसरा नॉलेज जिसे हम ज्ञान कहते हैं, तीसरा डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसे हम लोग ये कहते हैं जीवन जीने की एक अच्छी जो आपका क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये भी हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये भी हम लोग कह सकते हैं, ये हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। तो ये अपने आप में कह क्या कह सकते हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं जो जिसके तीन डायमेंशन है, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज, और इसे भी एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आप रख सकते हैं। तो यहीं पे अगर हम मैं आगे बढ़ूं तो मैं आपको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 जो है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या है जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है 2021-22 उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं, ताकि आपके पास भी नॉलेज जो है दोस्तों वो हो सके, क्या है, आपके पास भी ये नॉलेज जो है हो सके। तो चलिए बात करते हैं आपके मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 को लेकर के। आप लोग के बीच स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक की गणना की कैसे की जाती है, तीन चीजों को लेकर के गणना की जाती है, आप लोग भी याद रखिएगा। तो इस तीन चीजों में क्या क्या आता है आपको पता होना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर ये तीन चीजें क्या क्या है, तो मैं सिंपल कह सकता हूँ, इसमें आता है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, दूसरा नॉलेज, और तीसरा डिसेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डिसेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हम लोग कह सकते हैं, है ना। तो ये अपने आप में क्या हो गया, हमारे लिए इंपोर्टेंट हो गया। अब यहाँ से प्रश्न उठेगा कि आप कह सकते हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसकी गणना कैसे की जाती है। यहाँ 2021-22 का जो आपका रिपोर्ट हो क्या कहता है, तो गणना जो की जाती है तीन चीजों के ऊपर मैंने आपको बताया, और 2021-22 का जो रिपोर्ट है वो कहता क्या है मैं आप लोग को बता दूं, और आप लोग को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। सबसे पहले अगर आप कहेंगे कि 2021-22 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत 191 देशों में से कितने नंबर पे है,
132वें नंबर पे है, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। भारत का रैंक क्या है 122nd, क्या है रैंक भारत की, जो आप कह सकते हो जो रैंक है वो है 132वें, क्या है आपका 132वें, हम लोग कह सकते हैं क्या है आपका 132वां रैंक है, किसका, इंडिया का ये आपका रैंक है। दूसरा अगर हम लोग देखें कि जो बांग्लादेश है 129वें रैंक पे है, श्रीलंका 73वें रैंक पे है, उससे भी हम लोग पीछे हैं, और जो आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो रिपोर्ट है वो आपका क्या होता है 0 से 1 के बीच में होता है, क्या होता है 0 से 1 में होता है, उच्च मूल्यों के साथ मानव विकास के उच्च स्तर का हमें क्या मिलता है संकेत भी आपका मिलता है, संकेत भी मिलता है। और भारत में उपराष्ट्रीय जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये दर्शाता है कि दोस्तों कि जहां कुछ राज्यों ने बहुत अच्छी प्रगति की है वहीं अन्य अभी भी आपका स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली अपने टॉप प्लेस पर है, वहीं बिहार सबसे नीचे रैंक पे है, वहीं बिहार के दोस्तों सबसे नीचे रैंक पे है, ये भी हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। क्यों अभी आप रहे हैंड रेज करें, इंद्रजीत जी, शिवाजी और शंकर जी, बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए शंकर जी क्या दिक्कत है, ये क्या सर म्यूट करा लीजिए सर, समझ नहीं आ रहा कुछ, किसको मैं म्यूट करा रहा, मैं क्यों किसी को म्यूट करवाऊ, मैं बोल बोल के थक गया हूँ शंकर जी, मेरा 2 महीना या तीसरा ढाई महीना है, तीसरा महीना मेरा चल रहा है, मैं बोल बोल के थक चुका हूँ, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ इस बार म्यूट करने के लिए, करो समझिए, आप लोग बोलिए इन लोगों की म्यूट करो, किसको मैं बोलू, जागृति को बोलू, मैं किसको बोलू, मैं बोल बोल के थक गया हूँ, मैं अब किसी को नहीं बोलूंगा, जो करना है कर लीजिए, मेरा मन है मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं हाथ में अपने कान से निकाल चुका हूँ ईयरफोन, कर लीजिए जिसको जो मन है कर लीजिए, ठीक है, मैं अब नहीं बोलूंगा किसी को। हाँ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा जो भारत है, ठीक है, वो श्रीलंका से भी पीछे है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अगर सर आप आउट कर दो इन लोगों, एक मिनट, मैं आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ इन लोगों के साथ मुझे क्या करना चाहिए, आप लोग में इन लोगों को हटा, इसको मैं हटा दूं जो भी आवाज कर रहे हैं, सर हटा दो, आप लोग आगे जाकर नहीं, क्योंकि हम सब ने एक बार बोल लिया फिर आपने भी बोल लिया, नहीं समझ सर, आप ऐसा करिए अपने तरफ से सबको म्यूट कर दीजिए, कर दिया 3 बार कर दिया, 3 बार सर, ऐसा भी होता है ना कि जब आप परमिशन मतलब हम लोग ऐसा होता है जब हम हैंड रेज करते वो खुद कर लेते हैं, वो दो वो उनका क्या उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, तीन बार चार बार ज्वाइन कर रहा है, उनका बार बार अनम्यूट हो रहा है, ठीक है, ये दिक्कत हो रही है, अभी मैंने सबको म्यूट कर दिया, आप देखिएगा, चलिए हाँ, तो जो मैं बता रहा दे दीजिए सर और सबको हटा दीजिए, ठीक है, चलिए, तो आप सभी लोगों ने सुन लिया होगा ये लास्ट वार्निंग है, आफ्टर दैट आई विल नॉट टॉलरेट, आई विल रिमूव यू, ओके, मैं नहीं सुनूंगा, मैं कान में मैं भी लगा लेता हूँ। हाँ, तो जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था दोस्तों कि जो मानव भारत के जो मानव विकास की रिपोर्ट की बात करते हैं, भारत का 191 देशों में से 132वें स्थान पे भारत है, भारत जो है बांग्लादेश से भी पीछे, बांग्लादेश का रैंक जो 129, श्रीलंका से भी पीछे, 73वां रैंक है श्रीलंका का, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो 0 से 1 के स्कोर के बीच में क्या किया जाता है काउंट किया जाता है, क्या किया जाता है काउंट किया जाता है, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं ये तो हम लोग देखते हैं, तो हम लोग जो समझने की कोशिश करते हैं इसमें और क्या क्या आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, तो अगर आप देखोगे जो उच्च मूल्यों के साथ जो मानव विकास जो है किन चीजों को बताता है, वो सतत विकास को भी बताता है। अगर आप भारत के इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर आप बात करते हैं तो इसमें अगर हम लोग देखने की अगर कोशिश करते हैं जो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट भी रहता है कि भारत में उपमहाद्वीप जो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये दर्शाता है कि जहां कुछ राज्यों ने बहुत ही ज्यादा प्रगति की है वहीं पे कुछ अन्य राज्य अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। जैसे मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि दिल्ली अभी टॉप जो आपके प्लेस पर है वहीं पे बिहार जो है आपके निचले स्तर पर है, वहीं पे अगर आप हाई जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं उस तब जो HDI स्कोर वाले 5 राज्यों में दिल्ली, गोवा, केरल, सिक्किम और चंडीगढ़ आता है, और 19 राज्यों को उच्च मानव विकास राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि नीचे के जो 5 राज्य हैं
मानव विकास के मध्यम स्तर वाले हैं, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और असम है। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखने की जरूरत है और ये अपने आप में क्या है, हमारे लिए इंपोर्टेंट भी हो जाता है। तो अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है, आप लोग कहेंगे कि सर ये प्रश्न क्या बनता है। प्रश्न ये बनता है कि ये जो आपके विभिन्नताएं जो पाई जाती है, ये जो आपकी असमानताएं जो पाई जाती है, उसके पीछे कारण क्या है, क्या व्यापक जो कारण है। तो भारत में आर्थिक विकास असमान रूप से वितरित किया गया है। वहीं पे अगर आप देखिएगा भारत का जो गुजरात कितना विकसित है और वहीं हमारे नॉर्थ ईस्ट या बिहार को ही कंपेयर कर लीजिए कितना कमजोर है। तो एफडीआई स्कोर के मामले में शीर्ष पांच और निचले पांच राज्य कौन से हैं, अभी मैंने आप लोगों को बताया भी था। अगर शीर्ष और पांच राज्य की बात करेंगे तो जो फाइव स्टेट जो टॉप क्लास के हैं वह दिल्ली, गोवा, केरला, सिक्किम और चंडीगढ़। वहीं पे निचले सबसे कमजोर या सबसे निचले रैंक पे आते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और असम, इसे हम लोग कहते हैं। अगर यहाँ देखिएगा तीव्र आर्थिक विकास के बावजूद भारत में मानव विकास में व्यापक असमानताओं के प्रमुख कारण क्या क्या है, मैं बात करता हूँ। प्रमुख कारण में शिक्षा, प्रमुख कारण में अवसर की समानता, प्रमुख कारण में संसाधनों का उचित बंटवारा न होना, ये सारी चीजें आप रख सकते हैं। या भारत में जो आपके प्रमुख कारण में हम लोग शामिल कर सकते हैं वो है कि भारत में आर्थिक विकास असमान रूप से वितरित किया गया है। भारतीय आबादी के सिर्फ 10% के पास 77% से अधिक संपत्ति है। कितना सोचने वाली बात है। आज मेरे मन में हो रहा था कि मैं आप लोग को बताऊं तो अभी मेरे मन में आ गया, मैं सुबह से प्लान कर रहा था क्लास को लेकर के, बिना आर्टिकल को पढ़े हुए ये टॉपिक डिस्कस करूं कि बार बार न्यूज में आ रहा था और फिर आर्टिकल भी आ गया कि भारतीय आबादी के शीर्ष 10% के पास 77% से अधिक क्या है, संपत्ति है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता चिंता का विषय भी बनी हुई है। और आर्थिक विकास के साथ साथ मानव विकास को प्राथमिकता नहीं देना, ये भी समस्याएं हैं। गुणवत्तापूर्ण सामाजिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना, पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करना, ये भी समस्याएं हैं। भारत को विशेष रूप से अपने युवाओं के लिए मानव विकास और रोजगार सृजन में निवेश को प्राथमिकता देना ये जरूरी है। अगर नहीं किया जाएगा तो ये भी आपका एक समस्याएं हो सकता है, ये भी क्या हो सकता है, एक समस्या हो सकता है। तो अगर हम लोग कहते हैं कि भारत में जो आर्थिक विषमताएं जो पाई जाती है उसके पीछे अगर आप कारण की बात करते हैं तो उस कारण में हम लोग क्या क्या शामिल कर सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि राज्यों के बीच व्यापक असमानताओं के कारण, तो उसमें पहला आय असमानता, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि भारतीय आबादी के शीर्ष 10% के पास 77% से अधिक संपत्ति है। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा में जो निम्न गुणवत्ता कि जबकि देश ने जो प्राथमिक शिक्षा में लगभग सार्वभौमिक नामांकन प्राप्त कर लिया है लेकिन शिक्षा की जो गुणवत्ता है अभी भी सही नहीं है। स्वास्थ्य सुविधा में जो अगर आप देखेंगे अभी भी गरीबों पर वित्तीय जो बोझ है वो आपका बहुत ज्यादा आपको दिखाई देगा, वित्तीय बोझ अभी भी आपका बहुत ज्यादा दिखाई देगा। सो दैट्स व्हाई ये हमें ध्यान में रखने की हम लोग क्या कह सकते हैं की जरूरत है और आप भी इसे ध्यान में रखिए क्योंकि इन सब चीजों को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप इन चीजों को इग्नोर करेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, है ना। तो जैसे कि इस आर्टिकल में हम लोगों ने बात किया कि इंडिया का परफॉर्मेंस, इंडिया का जो सॉरी तो उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किया है, ये भी मैंने आप लोग को बताया कि उसके बाद कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए 4 इंडिकेटर को यूज किया जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जन्म के ऊपर जो हम लोग कहते हैं जीवन प्रत्याशा, प्लीज ध्यान में रखिएगा, ये नहीं कहेंगे सर आपने डिस्कस नहीं किया। दूसरा मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, जो आपके स्कूलिंग का जो मध्यान्ह वर्ष क्या है, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितने साल तक एक्सपेक्टेड हो सकता है, जान एंड ग्रॉस नेशनल इनकम जो आपका सकल राष्ट्रीय आय हम लोग कहते हैं, इन चार चीजों के बेसिस के ऊपर क्या क्या जाता है, मानव विकास सूचकांक को कैलकुलेट किया जाता है मानव विकास सूचकांक को कैलकुलेट किया जाता है
यह हमें ध्यान में रखने की जरूरत है और यह अपने आप में बहुत ही इंपोर्टेंट है। क्या है यह अपने आप में हमारे लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। फिर उसके बाद जैसे कि अपने इंडिया में एफडीआई को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो अपने इंडिया में भी चार चीजों के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, जो मैंने आप लोग को बताया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जन्म के ऊपर जीवन प्रत्याशा, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मध्यान्ह स्कूलिंग बर्स, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, जो कितने सालों तक बच्चे स्कूलिंग को करते हैं, और ग्रॉस नेशनल ऑफ इनकम। ये हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं इसमें हमारा क्या आता है। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं तो उसका हम लोग डाटा जो लेते हैं भारतीय में, थोड़ा डिटेल बता देता हूँ, वो सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से हम लोग लेते हैं, या जो राष्ट्रीय जो आपका पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 जो है उससे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो है उससे लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे इंडिया में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो रिपोर्ट है, हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है कि जो टॉप 5 स्टेट्स है, दिल्ली, गोवा, केरल, सिक्किम एंड चंडीगढ़, और जो आपके निम्न स्टेट में अगर आप शामिल करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को भी बताया है, और आप जो है उस निम्न स्टेट में बिहार को भी आप इजीली शामिल कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश को शामिल कर सकते हैं, मध्य प्रदेश, झारखंड और असम को जो है आप शामिल कर सकते हैं, है ना। अब एक ही चीज को दोबारा बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो अब आगे की राह क्या होनी चाहिए, आगे की राह में सबसे पहले हमें आय और लिंग समानता के ऊपर काम करने की जरूरत है। हमें सामाजिक सेवाओं अच्छे से अच्छी सामाजिक सेवाएं हम लोगों तक पहुंचा सके उसकी जरूरत है। शिक्षा के स्तर को हमें बढ़ावा दिया देना चाहिए उसकी जरूरत है। फिर उसी के बाद अगर इसमें हम डिस्कस करें कि हमें जो पर्यावरणीय जो चुनौती है उसको सॉल्व आउट करने की जरूरत है, पर्यावरणीय जो चुनौती कहते हैं उसको सॉल्व आउट करने की जरूरत है। फिर उसी के बाद अगर हम लोग कहे तो इसी में हम लोग क्या जोड़ सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि आपके सामाजिक अवसंरचनाओं में निवेश करने की जरूरत है, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, ठीक है, कि स्वास्थ्य, उसके बाद शिक्षा और बेसिक हाउस होल्ड एमिनिटीज में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, लोगों के स्वास्थ्य, पानी, सैनिटेशन की फैसिलिटीज, साफ ऊर्जा, साफ पानी, इलेक्ट्रिसिटी, इन सबको पहुंच की भी जरूरत है। इन सब का पहुंच लोगों तक हो सके उसकी बहुत बड़ी जरूरत है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। ये अपने आप में हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को प्लीज ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो बात करते हैं जो हम लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, एक हम लोग कहें तो जैसे कि अगर आप देखेंगे कि मोटे अनाजों को बढ़ावा देने को लेकर के अभी बात हो रही है, उसी में दूसरा आर्टिकल है, तो मैं आप लोग का डाउट लेता हूं, अगर मेरे पास टाइम रहेगा 8:40 के बाद तो मैं दूसरा आर्टिकल में डिस्कस करूंगा, नहीं तो यहीं पे मैं समाप्त करूंगा। हाँ, इस आर्टिकल से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है तो फटाफट आप लोग पूछ लीजिएगा, जल्दी से बताते चलिए, हैंड रेज करिएगा तब मैं मौका दूंगा, नहीं तो नहीं मौका दूंगा, ठीक है, बोलिए हैंड रेज करके। आज क्लियर है तो बता दीजिए, यस सर क्लियर है, यस श्री कुमार बताइए क्या डाउट है। सर सूचकांक जो है कितने प्रकार के होते हैं, कौन से सूचकांक, मतलब सूचकांक तो बहुत सारे हैं, व्यापार से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड, उसके बाद अगर बात करते हैं कि आर्मी से रिलेटेड, हथियार से रिलेटेड, बहुत सारे हैं। और ये कब जारी की गई थी, कौन से, ये मानव विकास के सूचकांक जो भी है। ओके, अगर आप बात करते हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो हम लोग कहते हैं कि इसकी जो रिलीज किया गया है, प्लीज समझ लीजिएगा, इसको अभी यूएनडीपी के द्वारा पिछले कुछ दिनों पहले ही, एग्जैक्ट डेट नहीं, 2-3 दिन पहले ही आपको रिलीज किया गया है, और इसके ऊपर जो है द हिंदू का आर्टिकल आया, द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल आया, तब जाकर इसको मैंने जो है डिस्कस किया है, तो ज्यादा दिन पुराना नहीं है, लेकिन पहली बार जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जो रिलीज किया गया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा 1990 में किया गया था, ठीक है। थैंक यू सर। यस, या आसमा,
जो सर वो आपने जो चीजें बताई थी कि इंडियन बेसिस पर नहीं सुनाई दे रहा आत्मा, आप पूछते तो प्लीज आप नेटवर्क पर नहीं सुना दे रहे अपराजिता जी, आपने क्लास समझाई नहीं है ना, एक 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 अपराजिता जी आपने क्लास समझा नहीं, और नहीं समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और डाउट भी नहीं होगा, क्लियर आपने समझा नहीं, ये पूरे मैंने डिस्कस कर लिया टॉप फाइव स्टेट टॉप रैंक ये सारी चीज क्या कारण नहीं किया नहीं कारण, तो इसके अलावा मैं क्या बता सकता हूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं है उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ, ठीक है बस और कुछ नहीं कर सकता। ये जनगणना के रिसोर्सेस बताया था आपने, बताया होगा लेकिन एग्जैक्ट किस चीजों में, जैसे कि एसडीआई के स्कोर है 0 से 1 पे कैलकुलेट किया जाता है, फिर उसमें मैंने ये बताया था जो टॉप 5 स्टेट से आया है आपका हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लेकर के दिल्ली गोवा केरला सिक्किम चंडीगढ़, जो टॉप 5 बॉटम स्टेट पे बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश झारखंड असम आया था, इन चीजों के बारे में बताया था। इंडिया का रैंक 132 बताया था आउट ऑफ 190 कंट्रीज, इंडिया जो है बांग्लादेश से भी पीछे है, बांग्लादेश का रैंक 129 है, हम श्रीलंका से भी पीछे है जहां पर श्रीलंका का रैंक जो है 73 है। अब बताइए इसमें भी बोला जा रहा है अपराजिता जी, जैसे स्टूडेंट बोले कि मुझे समझ में नहीं आता, व्हाट कैन आई डू, नथिंग, ओके सॉरी सॉरी अपराजिता, ठीक है कि वो सही नहीं है लेकिन थोड़ा समझिए अगर क्लास में तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। अब मुंबई फुंबई कितने नंबर पे हमें नहीं समझना है, हमें समझना है टॉप 5 कितना है, टॉप बॉटम कौन सा स्टेट है, सारे समझ ही लेंगे तो बन जाओ थिंकर बन जाओ इकोनॉमिस्ट बन जाओ फिर यूपीएससी की तैयारी करें, सारे नहीं समझना है, ठीक है चलिए। तो यहाँ पे ये जो आर्टिकल है और तो हमने यहाँ पे डिटेल में इन चीजों को डिस्कस किया है, एक और आर्टिकल है उसको हम लोग थोड़ा सा फटाफट डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ये आपका सीरियल सॉल्यूशन, ये जो सीरियल सॉल्यूशन है हमने पहले भी मोटे अनाज के बारे में बात किया हुआ है इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं फटाफट इन चीजों को निपटाता हूं, मैंने पहले बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ये हमारे जनरल स्टडीज के पेपर 1, जनरल स्टडीज के पेपर 2, जनरल स्टडीज के पेपर 3 हर एक से ये रिलेटेड है। तो यहाँ पे प्रश्न ये उठ रहा है कि भारत में सबसे पहले इस आर्टिकल के आप कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे तो मैंने बताया दिया कि आर्टिकल जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3 सबसे रिलेटेड है और कॉन्टेक्स्ट जैसे कि आप लोग को मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन ने 2023 को आपके मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया, उसे पिछले साल भारत ने 2022 को भी मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया था। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठ रहा है कि भारत सरकार ने मोटे अनाजों के उत्पादन और उपभोग को प्रोत्साहन देने पर बहुत विचार किया क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन से जो हम कहते हैं ना कि उसके अनुकूल हो जाता है, हम जलवायु परिवर्तन के अनुसार अपने मोटे जो फसल है उसको उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि मोटा अनाज होता क्या है, तो जो मोटा अनाज है दोस्तों वो पारंपरिक रूप से देश के अल्प संसाधन वाली कृषि जलवायु क्षेत्रों में उगाए जाते हैं और कृषि जलवायु क्षेत्र जैसे फसलों और किस्मों की निश्चित श्रेणी के लिए उपयुक्त प्रमुख जलवायु के संदर्भ में भूमि की एक इकाई होती है, जैसे कि ज्वार बाजरा मक्का जौ फिंगर बाजरा और अन्य कुटकी भी हम लोग स्मॉल मिलेट्स कहते हैं, जैसे कोदो फॉक्सटेल होता है प्रोसे होता है प्रोसो और ये आपका बानियार्ड होता है, ये सब मोटे अनाज कहलाते हैं। ज्वार बाजरा मक्का और छोटे बाजरा जो होते हैं ये मुख्यतः हम लोग कहते हैं पोषक अनाज भी कहलाए जाते हैं। अब पोषक अनाज का जो महत्व क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसमें सूखा और ये जो सूखा वाले एरिया में भी उत्पन्न हो सकता है, ये प्रकाश और संवेदनशीलता को झेल सकता है, जलवायु परिवर्तन को भी झेल सकता है, ये फसलें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में और एक आशाजनक निर्यात योग्य वस्तु के रूप में भी जो आपके हम लोग कहते हैं संभावनाएं प्रदान करता है, मानव के साथ साथ ये पशु के लिए भी या जो मुर्गी पालन के लिए भी उपयोगी हो सकता है, ईंधन के लिए भी उपयोगी हो सकता है, कुपोषण को दूर करने के लिए उपयोगी हो सकता है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उत्पादन के लिए उपयोगी हो सकता है, ये भी हम लोग कह सकते हैं। तो जो यहाँ पे एक देखेंगे जो मोटे अनाज उत्पादक जो राज्य है ठीक है उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें कर्नाटक राजस्थान पुडुचेरी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश कुछ हद तक राजस्थान उत्तर प्रदेश भी आपका आता है। दूसरा प्रश्न है कि अन्य अनाजों की तुलना में बाजरा उगाने के क्या फायदे, कम पानी लेता है मौसम के जो हम कहते हैं परिवर्तन के अनुकूल रहता है, दूसरा इससे उत्पादन ज्यादा होता है ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे
जोड़ सकते हैं। तो हरित क्रांति के दौरान चावल और गेहूं के पक्ष में बाजरा क्यों दर के नार किया गया? पानी की वजह से। हरित क्रांति के समय में जो चावल गेहूं के लिए जो पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश में नहरों के द्वारा पानी का उपयोग किया गया और खास करके जिन किस्मों की जिन बीजों की जो उपयोग की गई वो थे हाइब्रिड। और हाइब्रिड जैसे कि गेहूं की बात करेगा वैसे अनाजों के लिए या वैसे जो हम कहते बीजों के लिए पानी की अधिक उत्पादकता आपकी चाहिए थी या सिंचाई की अधिक उत्पादकता आपकी चाहिए थी। तो इस वजह से भी आप हम लोग इसे कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा, वैश्विक स्तर पर बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने में भारत को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? फंडिंग का, जो सीडिंग का, तीसरा क्लाइमेट चेंज का, ये सब भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। एक दो कारण नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर आपने भारत में देखिएगा कि मॉनसून हम लोग कहते हैं मोटे अनाज में उत्पादन में वृद्धि भी हुआ 2022 में भी, उस डाटा में हमें जाने की जरूरत नहीं है लेकिन वृद्धि जरूर हुआ। अब मोटे अनाज की जो सहायता हेतु सरकार की जो जैसे कि हम लोग कहते हैं कि पहल है क्या कि गहन बाजरा संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल है, न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि है, निवेश सहायता है, बाजरा का अंतरराष्ट्रीय वर्ष जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो ये आर्टिकल भी मैंने आप लोग के साथ पूरे डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर लिया है।